नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अंशिमा बुटीक चैनल में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको सूट की स्टिचिंग के कुछ ऐसे टिप बताऊंगी जिसको अपनाकर आप अपने सूट को एकदम परफेक्ट बना सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी साइज का सूट बनाइए, इस चीज को अपनाकर अगर आप सूट बनाते हैं तो आपका सूट एकदम परफेक्ट बनेगा। तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि मैं इस वीडियो में क्या टिप बता रही हूँ जिससे आपका सूट एकदम परफेक्ट बनेगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं छोटे छोटे कई ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आपकी स्टिचिंग के लिए एकदम यूजफुल होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह से और भी छोटे छोटे टिप्स और भी जरूरी बातें मैं आपके सामने लेके आती रहूं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो देखिए दोस्तों, ये सूट है, ये अस्तर वाला सूट है। अभी मैं जो पहला टिप आपको बताने जा रही हूँ, ये टिप केवल आप अस्तर वाले सूट में ही करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अस्तर वाले सूट में जब हम अस्तर और कपड़े को एक साथ जोड़ते हैं तो सूट का कपड़ा खींचा खींचा सा आता है। ये देखिए, जैसे हमने इस गले पे सिलाई लगाई है तो कपड़ा खींचा खींचा सा है दोनों साइड से, देखिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि कपड़ा बराबर आ जाए, और स्टिचिंग के बाद ये चीज हमारा गला एकदम परफेक्ट बैठ गया है। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमने ये सिलाई लगाई है, इस सिलाई पे हमें इस सिलाई के धागे को हमें कहीं कई जगह से, जैसे मान लीजिए यहां से कट किया, यहां से कट कर लिया, और ये जो गोलाई है यहां से तो जरूर कट करना है। तो दोस्तों, हर जगह से थोड़ा थोड़ा धागा आप कट कर लीजिएगा। ऐसे मैं अभी धागा कट करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, मैंने एक जगह से धागा कट किया तो ये देखिए इतना स्पेस आया यहाँ पे, इतना कपड़ा हमारा खींचा हुआ था इसमें। इसी तरह से हम कई जगह से धागे को कट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, धागा कट करने के बाद अब ये कपड़ा एकदम फ्रेश हो गया है, अब इसमें कहीं से भी खिंचाव नहीं है। और इसी तरह से सबसे पहले आपको ये काम करना है, जब आप सिलाई लगाएंगे तो धागे को जगह जगह से आप कट कर लेंगे। इसी तरह से मैंने देखिए आर्म होल में भी कट कर लिया है धागे को दोनों साइड, और हमने गले में भी कट कर लिया है। तो मैं जो आपको अब बताने जा रही हूँ, आप वो किसी भी सूट में कर सकते हैं, चाहे आप सादा सूट बनाइए या फिर अस्तर वाला सूट। इस चीज को आप करेंगे तो आपका कंधा कभी नहीं गिरेगा और आपका सूट एकदम परफेक्ट बनेगा, कहीं से झोल भी नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, अब हमें जो करना है, सबसे पहले हम इसको ऐसे बीच से फोल्ड करेंगे। दोस्तों, हमें एकदम बराबर से आर्म होल और गले को ऐसे मिलाते हुए, जिस तरह से हम कटिंग करते हैं उस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमने यहां से कट लगाया था, यहां से हमने मिला लिया है, और यहां से हमने आर्म होल को भी मिला लिया है, जो हमारा एकदम परफेक्ट मिलके आ गया है। अब दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, आप किसी भी साइज का सूट बनाइएगा, आर्म होल हमारा इतना ही कटेगा जितना हम कट करते हैं। आर्म होल हमें छोटा बड़ा नहीं करना है, गले को हमें उसी तरह से निशान लगा के कट करना है जितना हम कट करते हैं। जहां से हम तीरा लेते हैं यहां हमें करना है, देखिए दोस्तों, यहां हमने यहां से तिरछा कट नहीं किया है, जो हम सूट कट करते समय यहां से तिरछा कट करते हैं। मैंने भी वीडियो में बताया है कि यहां से हम तिरछा कट करेंगे, लेकिन जब आपको ऐसे बनाना है तो आप तिरछा कट नहीं करेंगे। यहां से हम तिरछा कट नहीं किए हैं, और हमें यहां से देखिए लगभग 1 इंच यहां से आप निशान लगा लीजिए। पूरा हमें यहां से यहां तक निशान लगा लेना है। देखिए दोस्तों, हमने ये निशान लगाया है 1.25 इंच पे, और अब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने ये सीधा कर लिया है, अब हम इसको कट कर देंगे। दोस्तों, ये बस आगे के पल्ले में करना है, ये पीछे के पल्ले में हमें नहीं करना है। पीछे का पल्ला जैसा है वैसे ही रहेगा, बस आगे के पल्ले में इतना हम कट करके निकाल देंगे। हमने इतना कम कर दिया, हमें आर्म होल में कुछ नहीं करना है, बस हमें यहां से कट करना है। देखिए, यहां से हमने कट कर लिया, यहां सेंटर है, अब हम यहां से एक कट लगा लेंगे बीच में, जिससे पता चले कि ये सेंटर है और हमें गला बनाने में आसानी हो। तो देखिए, यहां से हम ये कट लगाएंगे,
है, अब हमें इसका गला बनाना है और शोल्डर जोड़ना है। तो दोस्तों गला सूट का कैसे बनाते हैं वो मैंने पीछे वीडियो में बना रखा है, अब उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख लीजिएगा कि सूट में गला कैसे बनाते हैं। मैंने दोनों तरह से गला बनाने को बताया है, बुकरम के साथ और बिना बुकरम के, तो आप वहां से देख लीजिएगा। मैं अब इसमें गला बना के फिर आपको शोल्डर जोड़ना बताती हूँ, इसमें हम शोल्डर इस सूट में इस तरह से जब हम कट करेंगे तो शोल्डर कैसे जोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले मैं गला बना लेती हूँ। देखिए दोस्तों हमने सूट का गला बना लिया है, देखिए कितना सही से बन गया है, हमने आगे और पीछे दोनों का गला बना लिया है। ये देखिए दोस्तों आगे और पीछे दोनों का गला तैयार है, अब हम इसमें शोल्डर को जोड़ेंगे। तो दोस्तों इसमें हम शोल्डर कैसे जोड़ेंगे मैं आपको एक साइड का जोड़ के बता दे रही हूँ, उसी तरह से हम दोनों साइड का जोड़ लेंगे। देखिए दोस्तों हमें यहाँ से दोनों शोल्डर ऐसे मिला लेना है, देखिए यहाँ से, और इसको हम देखिए हमने यहाँ से इसको मिला लिया है। अब यहाँ से हम एक सीधी सिलाई पहले चला लेंगे। देखिए दोस्तों हमने एक सिलाई इसमें लगा ली है, ये देखिए हमारी सिलाई ये सही से लग गई है। आप अगर बिगिनर हैं तो बिना यहाँ निशान लगाए सिलाई मत कीजिएगा, क्योंकि जब बिना सिलाई लगाए करेंगे तो आपको अंदाजा नहीं मिलेगा और वो हो सकता है कि खराब हो जाए। तो इसलिए दोस्तों देखिए मैं निशान लगा के आपको बता दे रही हूँ कि इसमें हम कितना निशान लगाएंगे। दोस्तों हम इधर आर्म होल के साइड आधे इंच का मार्क करेंगे, ये देखिए हमारा आधा इंच, ये सिलाई हमारी आधे इंच पे है तो हम इसी पे एक मार्क कर लेंगे। और दोस्तों गले के साइड जब हम इसमें मार्क करेंगे तो हम आधे इंच की बजाय पौन इंच का मार्क करेंगे यहाँ से, ये देखिए हम इतना मार्क करेंगे पौन इंच का, और इसको हम ऐसे हल्का सा ये तिरछा आएगा तो हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे और इसी पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोस्तों हमने इसमें सिलाई लगा ली है, अब हम इसको ऐसे खोलेंगे और यहां से अगर आप चाहें तो यहाँ सिलाई लगा दीजिए या फिर सुई से इसको ऐसे टाक दीजिएगा तो ये एकदम बराबर से आ जाएगा। अब इसी तरह से जैसे हमने इस साइड का शोल्डर जोड़ा है इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी जोड़ लेंगे। देखिए दोस्तों हमने दोनों साइड का शोल्डर जोड़ लिया है और यहाँ से हमने सिलाई भी लगा ली है, अब ये सूट तैयार है। ये देखिए देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी सही आई है। अब दोस्तों इस सूट में एक और बात मैं आपको बताती हूँ, जो हमने यहाँ से हमने एक पौन इंच नीचे तक कट किया था तो इसमें हमारा आर्म होल भी आगे के पल्ले का छोटा हो गया है, को कैसे जोड़ेंगे। तो दोस्तों आर्म होल जोड़ने के लिए हमें ये चीज बराबर कर, जैसे हम हर सूट में फिटिंग की सिलाई लगाते हैं उसी तरह से यहाँ से इसको बराबर करके सिलाई लगा लेंगे। हमने यहाँ से कट किया है तो हम यहाँ से छोटा या बड़ा नहीं करेंगे, यहाँ से हमें बराबर ही रख के सिलाई लगा लेनी है। देखिए दोस्तों हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है, ये देखिए ये शोल्डर हल्का सा नीचे आएगा लेकिन इसको पहनने के बाद ये एकदम फिट आएगा और यहाँ से कहीं से भी कंधा ये ना सरकेगा और ना ही यहाँ से कहीं से झोल आएगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप अपने सूट की स्टिचिंग करते हैं तो आपका सूट भी एकदम परफेक्ट बनेगा। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।